राजधानी दिल्ली की मीडिया सर्वे की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम राजधानी दिल्ली के कई मंत्रालय और कई खेल मैदानों और किलों का दौरा कर रही है। अभी मैं तुगलकाबाद किला पे खड़ा हूँ और बहुत बड़े यार्ड में फैला पड़ा है तुगलकाबाद का किला, और सामने की तरफ हुमायूं का टॉम भी है मेरे दाईं तरफ, तुगलकाबाद रेंज मेरे दाईं तरफ। और जहाँ तक मैं इन किलों की बात करूँ, पत्थरों की बनाई गई ये किले, जब मेरी टीम ने महानगर मुंबई और महाराष्ट्र का दौरा किया, मालसेज घाट से लेकर तमाम जगहों पर हमें ऐसे किला दिखाई दिए जो कि वास्तविक नेचुरल होते थे, लेकिन ये किले तो बनाए गए राजों के द्वारा। मानो ऐसा लगता है 1498 से लेकर 1947 के बीच डच और पुर्तगाली, अंग्रेज और मुस्लिम तमाम राजा जब देश में आए तो इस सोने की चिड़िया के देश के पैसों को इस तरीके से शायद किलों को बना बना करके उन्होंने खर्च किया। मानो ऐसा लगता है उन किलों को देख के, जहाँ पर वास्तविक किले हैं वो नेचुरल किले हमें दिखाई दिए, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर के किले हैं। जब आप महाराष्ट्र के रायगढ़ से लेकर के और कई जगह पर जब आप दौरा करते हैं, मालसेज घाट से लेकर के नेचुरल किले, और उन्हीं की कॉपी शायद राजाओं ने की होगी ऐसा लगता है। करोड़ों रुपये उन्होंने इन जगहों पर खर्च किए, इस तरीके से संपत्ति, जो संपत्ति थी और धन था, इस तरह खर्च किया गया। शायद यदि उन किलों के भी देख रेख के लिए कुछ प्लान किए जाते तो भी बचाया जा सकता था, लेकिन लगातार यानी 192 साल अंग्रेजों के और लगभग 500 साल अन्य राजाओं के कई यहां पर रहे। यदि मैं 1498 से बात करूं और 1947 तक लगातार यानी ऐसा देखने को मिलता है। देखिए आज राजधानी दिल्ली से किलों पर मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।